आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बचके, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन क्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन क्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाएगी, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी गोरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो
तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हट के जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैंड, पंकज जहा, अमरदीप जहां और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है, यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं,
ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू इसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूं, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैंड, पंकज जहा, अमरदीप जहां और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है।
कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा, तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सनोन है, उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है। वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु प्रताप यानी कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में। जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाएगी, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है। जो कि भानु उसको बताता है कि तू इसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हाँ मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है। और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है।
अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैनक्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैनक्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा, बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है।
और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी मूवी आई है जरा हट के जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मेन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मेन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यूँ है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है, अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा, बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की
उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि ये मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाते हैं और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी।
और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि ये मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सेनन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाते हैं और मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है,
तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाएंगे, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इसे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी OTT के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बचके, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां,
और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि ये मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है।
और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन क्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन क्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कोख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है।
और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन क्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन क्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी गोरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी, तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा, बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की
उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है, और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी OTT के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है, यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी, साथ ही आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी।
और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैंड, पंकज जहा, अमरदीप जहां और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सेनन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है तो
तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू इसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैंड, पंकज जहा, अमरदीप जहां,
और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा, तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है।
और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा, बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है।
और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि ये मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की
उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि ये मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी कितनी कमाल की रेटिंग है, तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा, तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं, बदले में जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं हमें देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी।
और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी OTT के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनकी कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सेनन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाते हैं और मुंबई चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है,
तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर, जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाएगी, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मीनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मीमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मीमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मीमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मीमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मीमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इसे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी OTT के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है, जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां,
और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ जो है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है। तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद उसे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन क्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन क्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई, तमन्ना कर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु पड़ता है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ में हमला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा, बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि
इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन क्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन क्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपये देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है, हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है, और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैनक्राफ्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैनक्राफ्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सनोन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैंड, पंकज जहा, अमरदीप जहाँ, और भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यूँ है कि जो कीर्ति सनोन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु पड़ता है यानी कि पंकज त्रिपाठी, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है। फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कुख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिमी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था। मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा,
मुझे यकीन है कि आपको यह मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, और आप इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मूवी कहाँ पर हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी, क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉलीवुड की कुछ नई और कुछ पुरानी धमाकेदार मूवीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, कहानी मूवी की क्या है वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे दोस्तों मूवी काफ़ी शानदार है और इस मूवी को आप लोगों को एक बार देखना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और मूवी थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। हो सकता है कि आपको मूवी इमोशनल कर दे। अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का नाम है मिमी। इस मूवी को 2021 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली थी ओटीटी के ऊपर, जो कि यह मूवी नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हुई थी। हालांकि आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा पर उपलब्ध है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर आपको मूवी मिलेंगी, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी बहुत जगह पर आपको मिल जाएंगी, जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स है जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करना चाहता हूं, पर अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा देखने को मिलता है। रन टाइम इस मूवी का 2 घंटे 13 मिनट का है। कहानी काफ़ी मूवी की गजब की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। अगर हम मूवी की रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 8 की रेटिंग मिली है, जो कि वाकई एक अच्छी रेटिंग है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को 4 स्टार मिले हुए हैं, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग कहलाती है और 90% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी की इतनी कमाल की रेटिंग है तो मूवी बेशक अच्छी ही होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने, जो कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी तो आप इन्हें जानते होंगे, मतलब कि आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई है। हम इनके कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लें तो हाल ही में इनकी एक मूवी आई है जरा हटके जरा बच के, जो कि काफ़ी अच्छी रही। इसके अलावा इन्होंने लुका छुपी जैसे शानदार मूवीज़ पहले दी है, डियर जिंदगी भी बना चुके हैं, तो उनकी मूवीज़ दोस्तों वैसे काफ़ी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो इस मूवी के अंदर जो मैन कास्ट है उसके अंदर आप सभी को कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी, इसके अलावा हॉलीवुड के एक दो एक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साई तमन्नाकर, जया भट्टाचार्य, सुप्रिया पाठक, मनोज पहलवा, अनिल भागवत, नूतन सूर्या, नरोत्तम बैन, पंकज जहा, अमरदीप जहां और भी यहां पर काफ़ी अच्छे स्टारकास्ट मूवी के अंदर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ होता है। कहानी मूवी के दोस्तों काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, अगर आपने यशोदा मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी की कहानी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो होता कुछ यू है कि जो कीर्ति सेनन है उनको एक्टर बनने का शौक़ होता है, वो बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं और बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं। अब वो घर से भाग जाती है और मुंबई चली जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है भानु से। तो जो भानु प्रताप यानी कि पंकज त्रिपाठी यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर होते हैं। अब यहाँ पर दोनों साथ में जो रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती ऐसा कुछ हो जाता है। यहाँ पर भानु मिमी को ये बताता है कि तुम्हें एक बच्चा करना है और इसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम सरोगेट माँ कहते हैं। तो मिमी बताती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो भानु बोलता है हाँ। फिर मिमी जाती है उस बंदों के पास जो कि फॉरेनर होते हैं, वो उसे 20 लाख रुपए देते हैं बदले में, जो मिमी है उसको उनका काम करना पड़ेगा। मिमी जो है 20 लाख लेती है,
फिर बाद में जब वो बच्चा उसके कोख में जन्म लेता है, तो यहाँ पर जो लोग थे फॉरेनर जिन्होंने वादा किया था कि वो उसे पैसे देकर ये बच्चा लाइए, तो वो मना कर देते हैं कि अब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मिनी के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना ही वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, जो कि भानु उसको बताता है कि तू उसे अडॉप्ट कर दे, बट मिमी मना कर देती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। मिमी अपने घर वापस लौटती है और वहाँ पर भानु साथ में जाता है, तो मिमी के घर वाले उसको ये बताते हैं कि बच्चा आखिर किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी के पास कोई रास्ता नहीं था, मिमी जो गुस्से में आकर ये बता देती है कि इसका बाप भानु प्रताप है। अब भानु को तो कुछ पता ही नहीं था, अब भानु भी कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि वही आगे रहा था और उसकी वजह सब कुछ हुआ था। तो भानु भी हाँ मैं मिला देता है, पर जब बच्चा होता है तो काफ़ी बुरा होता है, तो घर वालों को काफ़ी डाउट होता है। पर मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है, इसे आप एक बार देखिए, आप सभी को मूवी अच्छी लगेंगी। साथ ही हम आप इससे आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ भी देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन वॉचेबल मूवी है। अगर आप इस कमाल की मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार आप इसे देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी जो है वो अच्छी ज़रूर लगेंगी। और दोस्तों इस मूवी के अंदर और भी आपको बहुत सारे किरदार और कास्ट देखने को मिलता है जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, तो कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छी मूवी का निर्माण किया गया है। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। मूवी जो है वो आप सभी को देखने को मिल जाएंगी जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर, जहाँ से आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हो सकता है कि हमें इस मूवी का दूसरा पार्ट भी देखने को मिले, क्योंकि वो बच्चा आप कैसे हो पालेंगे वो सब कुछ हमें शायद दूसरे दूसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी सही मूवी है। अक्सर टीवी पर आती है, जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर आपको यह मूवी अक्सर देखने को मिलती रहेंगी। तो आप चाहे तो इस मूवी को स्टार गोल्ड पर भी देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम के अंदर इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। बस आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी मैं जो नई मूवीज़ आती है साउथ की उनके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सके तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कोई ख़राब सीन आपको मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। गाने भी इस मूवी के काफ़ी बढ़िया है।